आप हमें बताएंगी आज की जो शख्सियत है हजरत के बारे में सनम ये वो सहाबिया हैं जिन्होंने जो सबकून में आती हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल अच्छा। किया ये हज़रत वर्का बिन नौफ़िल की भतीजी हैं जो हजरत खदीजा के चचाजात भाई हैं अच्छा ये उनकी आगे भतीजी हैं तो उस हिसाब से हजरत खदीजा की भी भतीजी भांजी कुछ इस तरह से इनका रिश्ता बनता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और सबसे अजर खदीजा की दोस्त भी हैं बहुत ज्यादा आना जाना भी है तो जू ही अजर खदीजा ने इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुल्ण, बारे सुल्ण, में बात की तो ईमान कबूल कर लिया इन्होंने और जैसे ही और इन्होंने हिजरत भी की हबशा को भी की और उसके बाद जब हिजरत मदीना हुई तो भी पहली हिजरत करने वालियों में थी और मजे की बात यह है कि जब बदर होती है गजवा बदर में इनका सगा भाई जो काफिरों का सरदार है अच्छा काफिरों का सरदार अबी मुद जो इतना वो गुस्सी जो शीला इस्लाम के खिलाफ बोलता रहा है वो बदर में आके मुसलमानों के खिलाफ लड़ता है और मारा जाता है मारा जाता है और उसके बाद इनको पता चलता है तो ये ये शिक्र अदा करती है कि एक दुश्मन खत्म हुआ इस्लाम का Allah, Allah, Allah. उसके बाद जब हाँ। ओहद की जंग होती है तो इनका अपना सगा बेटा ये उस मैदान जंग में है ये जख्मियों को पानी पिला रही हैं और ये उस मैदान जंग में बनफ से नफीस मौजूद है और इनका बेटा काफरों की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता अच्छा बेटा भी काफरों की तरफ से बेटा काफरों की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है और लोग इन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है तो इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं होती और इमान ये कुछ तक भी नहीं है सिर्फ इस्लाम की मोहब्बत और तो रसूल पाक पाकलम की, की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत में देखिए शुरू इस्लाम में ऐसा नहीं था कि अगर शोहर मुसलमान नहीं है तो बीवी भी, -भी, भी के लिए भी ये शर्त हो हुँ, हुँ, ये हुँ. बाद में हिजरत के वक्त ये शर्त हो गई कि दोनों को एक साथ हिजरत करनी है जो दोनों एक साथ हिजरत नहीं करेंगे तो अलग हो जाएंगे लेकिन इससे पहले रिश्तेदारी भी बाकी रहती थी सिला रहमी के हकूक भी होते थे उस वक्त भी मोहब्बत और दीन सबसे ऊपर था इनके कि इन्हें अपने सगी बेटे पेट से पैदा किए हुए बेटे का हुँ, हुँ, और सगा खून जो है वो अजीज नहीं था अपना दीन और अपने मुसलमान भाई सहाबा वो अजीज थे, अजीज थे वो अजीज थे और उन्होंने अपने मरे हुए बेटे की तरफ देखा, देख रखा दीन की जो मोहब्बत का आप जिक्र कर रही हैं डॉक्टर साहब ये बताइएगा ये दीन की मोहब्बत ये देखिए ना ये ऐसे वाकयात मैं अगेन ये रंगे का इतना हमारा फेवरेट सेगमेंट इसलिए है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें पता चलती हैं तो आज कल के माषरे में ये दीन की मोहब्बत को इस जज्बे को कैसे और पैदा किया जाए देखिए सबसे पहली बात तो ये सेगमेंट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे हमें भी बहुत पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है अच्छा तो देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और लाइब्रेरी से बुक्स लाते हैं तो उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करें कि वो इस्लामिक हिस्ट्री हिस्ट्री और सीरत से रेलिवेंट बुक्स लेकर आए और मैं अक्सर अपने बच्चों से जब पूछता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कि आपके घर में सीरत की कौन सी किताब है या तारीख की कौन सी किताब है तो मुझे अक्सर का जवाब मिलता है सर कोई भी नहीं है तो जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे इंस्परेशन मिलेगी मोटिवेशन कैसे मिलेगी ये जो सहाबियात का हम जिक्र सुनते हैं इनकी मोटिवेशन हजूरअला